आदाब नाज़रीन कोशर खबर नामा हेत छुस बह गौहर कुछ तुंदिस खिदमतस मंज हाजिर तो पेश खबरन हिंज तफसील। जम पुलिस तरफ आज अख बोड हादसा टलित जमिस मंज 7 किलोग्राम आईडी बरामद करना आमच। पुलिस को वनन छु जख मुसद्दिक इतल मेलनस पत पुलिसन बस स्टैंड जमिस मंज तलाशी कार्रवाई करित अख आईडी बरामद करमच या दौरान मिलिटेंटन हुंद हमला करनुक मनसूबा नाकार बनान। अत सिलसिलस मंज जमिस मंज आईजीपी जम्मू सिंद तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद सांस ते करनामुद या दौरान तिमो तफसीलात फराहम करान वोन। उसने 3-4 टारगेट्स दिए थे प्लेस करने के लिए, जिसमें रघुनाथ मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और लखदाता बाज़ार जो ज्वेलर्स की शॉप से जहाँ पे, उनमें से किसी एक लोकेशन करित अख आईडी 7 किलोग्राम आईडी बरामद करित। अत सिलसिलस मंज आईजीपी जम्मू डीजीपी तो बाकी पुलिस अफसरों जरिए जमिस मंज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद सांज करन आमुत या दौरान तिमो तफसीलात फराहम करान वोन जे मिलिटेंटो हिंदे तरफा अख बोड हादसा आव टाल। रखने के बाद उसने एक फ्लाइट लेना था श्रीनगर के लिए और फ्लाइट लेके श्रीनगर पहुंचना था, जहां पे अथर शकील खान नाम का एक आदमी जो अलबदर तंजीम का ओवरग्राउंड वर्कर है, काफ़ी हाई रैंकिंग ओवरग्राउंड वर्कर है, आईजीपी सिंह तरफा वन ज मिलिटेंटन हुंद हमला करनुक मनसूबा नाकार बनाओ। आईडी बरामद करने पत जमिस मंज मुख्तलिफ जायन पेठ सिक्योरिटी हिंद सख्त बंदोबस्त आमित करने, येल जन पुलिस तरफ गाड़ियन हिंज बारीकी बीनी सान चेकिंग ते आई करने। उसने इसको रिसीव करना था और उसके बाद ये एक्टिव हो जाता तंजीम के साथ, तो ये इसकी प्लान थी। इस काम की जानकारी चंडीगढ़ में एक और लड़के के पास थी जिसका नाम काजी वसीम है, उसको भी चंडीगढ़ से पिक कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। साथ ही साथ एक और साथी इनकी तंजीम से जुड़ा हुआ है जिसका नाम आबिद नबी है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो इस गिरफ्तारी से और इस आईडी की रिकवरी से, ये तकरीबन 6-6.5 किलो की आईडी है, अगर इसमें आरडीएक्स होगा, अभी इसकी पूरी जांच की जाएगी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा, तो ये बहुत बड़ा धमाका हो सकता था, काफ़ी जानो माल के नुकसान हो सकती थी। साथ ही साथ कल देर रात की गश्त में सांबा के इलाके में झांग एरिया है जो कि रामनगर पुलिस स्टेशन के अंदर आता है, रामगढ़ पुलिस स्टेशन के अंदर आता है सांबा, वहाँ जो गश्ती दल थे उसने 6 पिस्तौल और 15 छोटी आईडी ये रिकवर किए। इसके अलावा जो है पिस्टल्स की एमिनिशन है, इस पे तफ्तीश जारी है। नए नए चेहरे प्रदान करने की कोशिश में हमेशा रहते थे और पिछले कुछ अरसे में ये तो ग्रुप ऐसे नए फ्लोट किए गए जिनके जरिए से जैश ए मोहम्मद जो कि पाकिस्तान का टेररिस्ट आउटफिट है, लश्कर ए तैयबा जो कि पाकिस्तान का टेररिस्ट आउटफिट है, वहाँ की सरजमीन से काम करता है, उस आउटफिट को लोकल कश्मीरी नाम देने के लिए इनकी की हुई आतंकी कार्रवाइयों को, दहशतवादी की कार्रवाइयों को लोकल नाम देने के लिए जहाँ पर नए आउटफिट जो है वो खड़े किए गए, उसमें टीआरएफ के नाम से एक आउटफिट आया, द रेजिस्टेंस फ्रंट जो लश्कर ए तौबा का एक फ्रंट है, लोकल नाम है, जितनी कार्रवाइयां लश्कर ए तौबा पिछले अरसे से कर रहा है वो लश्कर ए सॉरी वो टीआरएफ के नाम पे जहां पर ओन की जाती थी। उसके अलावा जैश ए मोहम्मद जो दूसरा ड्रग्ड टेररिस्ट आउटफिट है पाकिस्तान का, उन्होंने नए नए यहाँ पर ग्रुप खड़े करने की कोशिश की, जिसमें एक ग्रुप हाल ही में अगस्त 20 से एक्टिव हुआ लश्कर ए मुस्तफ़ा के नाम से।
इनकी ट्रैकिंग कश्मीर की तरफ से काफ़ी लंबे अरसे से दोनों नए खड़े हुए ग्रुप्स की लीडरशिप की जा रही थी, और कश्मीर की पुलिस, खासतौर पे अनंतनाग की पुलिस ने जम्मू पुलिस के साथ मिलकर के इन दोनों ग्रुप्स की लीडरशिप को बेनकाब किया और दोनों के चीफ कमांडर जो हैं उनको पकड़ लिया गया है। उनमें से एक जो चीफ कमांडर है, इसका हदायतुल्ला मलिक नाम है। हदायतुल्ला मलिक जैश का, जैसे मैंने कहा कि जो लोकल आउटफिट लश्कर मुस्तफ़ा है उसको लीड कर रहा था, और पिछले काफ़ी अरसे से वो एक्टिव था मिलिटेंसी रिलेटेड कार्रवाइयों में। काफ़ी लंबा अरसा OGW का काम करता रहा और उसके बाद एक्टिव मिलिटेंट बन के जैश के साथ, जैश के डायरेक्शन के ऊपर उसने नया एक आउटफिट तैयार किया। वो आउटफिट तैयार करने के बाद साउथ कश्मीर के एरिया में आतंकी कार्रवाइयाँ अलग अलग तरह की करता रहा, और अभी इस ताक में था कि जम्मू के एरिया के अंदर अपना हाइड आउट, अपना अड्डा तैयार किया जाए ताकि आतंकी कार्रवाइयाँ कश्मीर के साथ साथ जम्मू के एरिया में भी की जा सकें। और उसके अलावा पाकिस्तान से जो हथियार अलग अलग जरिए से आते हैं, चाहे वो बॉर्डर से किसी मिलिटेंट्स के थ्रू आए, जो टनल्स खोदी गई उसके थ्रू भेजें, या फिर ड्रोन्स के जरिए से जो वेपन फेंके जाते थे उनको रिसीव करने का एक नेटवर्क जहां पर बनाया जाए और फिर उनको ट्रांसपोर्ट करके कश्मीर भी भेजा जाए। इसके साथ इसने एक और नेटवर्क खड़ा किया था जो पंजाब के साथ मिलके जो इसके साथी हैं उनके जरिए से बिहार से वेपन मंगवाने का नेटवर्क है। पर आशिक नेंगरू को दिसंबर 19 के आसपास उसको जहां से टनल के जरिए से परिवार के समेत, जिस टनल से जम्मिस मंज 7 किलो आईडी बरामद करने पत आई पुलिस हेडक्वार्टर जम्मिस मंज आईजीपी जम्मू डीजीपी आतंकवादियों को लाया जाता था तरफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करने या दौरान तफसलात फराम करान डीजीपी सिंह तरफा वन से टीआरएफ तो लश्कर मुस्तफ़ा नौच मिलिटेंट तंजीम ही मिलिटेंट आए हाल ही गिरफ्तार करने यमें पत जम्मिस मंज आईडी बरामद करित आज अख बोड़ हादसे टलने आव। दे रहा है और दहशत गर्दी की लॉजिस्टिक और बाकी इंतजाम कर रहा है। इसके साथ साथ इस आतंकी को जो पाकिस्तान में हैंडल करने वाला आदमी है, जिसको अलियास डॉक्टर के नाम से जानते हैं, उसके कहने पर ये बंदा दिल्ली भी जाता है और दिल्ली में जाकर के हमारे NSA साहब अजीत डोवल साहब के जो जहाँ पर ऑफिस है उन एरिया की रेकी करता है, फिल्म बनाता है, और वो फिल्म बना के पाकिस्तान अपने हैंडलर को भेजी जाती है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये जम्मू कश्मीर के साथ साथ दिल्ली के अंदर भी अपने टारगेट जिनको ये निशाने पे लाना चाहते थे, खासतौर पे जैश ए मोहम्मद जिनको निशाने पे लाना चाहती थी, उनकी रैकी इनके जरिए से करवा रही थी, और उस रैकी के बाद वहाँ पर भी इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ प्लान करने का मनसूबा पाकिस्तान की एजेंसीज ने, खासतौर पर जैश ए मोहम्मद ने बना रखा था। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है जिसके चलते ये जो हदायतुल्ला के पकड़े जाने के बाद इन चीज़ों का खुलासा हुआ। एक बैंक लूटा गया था नवंबर 20 में शोपियां के एरिया में, 60 लाख रुपए बैंक की कैश वैन जा रही थी, उसको रोक करके उससे कैश लूट लिया गया था। उसमें भी ये आतंकी इसके साथ जो शामिल थे वो आइडेंटिफाई हुए हैं और इसने माना है कि बैंक कैश की लूटिंग में इसी का हाथ था। इसकी निशानदेही पर अभी तक इसके 4 एसोसिएट पकड़े गए हैं, इसकी वाइफ भी उसमें शामिल है, बाकी 10 एसोसिएट भी पकड़े गए हैं, और पुलिस की बाकी की कार्रवाई अभी जम्मू कश्मीर में जम्मू जिला की पुलिस और अनंतनाग की पुलिस अपने DIG और IG की क्यादत में मिलकर के उस पर फर्दर जो इंटरोगेशन का सिलसिला भी जारी रखा हुआ। जहूर राठर इसका नाम है, इसको खालिद भी कहते हैं और साहिल भी नाम है इसका। लश्कर तौबा की
फ्रंट को जो रन कर रहा था टीआरएफ को, ये टीआरएफ का चीफ था, ये भी बहुत लंबा अरसा पहले खुद ओजीडब्ल्यू के खाते में काम करता रहा। इसकी बड़ी बात यह है कि ये बहुत पुराना ट्रेंड मिलिटेंट है। 2002 में ये हिजबुल मुजाहिदीन के साथ काम करता था, जहां से बॉर्डर पार गया था, बॉर्डर पार जाके पाकिस्तान में ट्रेनिंग हासिल कर रही थी, और जब वापस लौट के आया था तो 5 फॉरेन टेररिस्ट रजौरी के रूट से लेकर के ये वापस आया था। उसके बाद ये लगभग 5 साल एक्टिव रहा और 2006 में इसने सरेंडर कर दिया था, और सरेंडर करने के बाद ये आराम से बैठा था, मगर इसकी एक्टिवेशन 2019 के अंदर दोबारा होगी, और 2019 के अंदर जो इसके स्थान में बैठे जो जानते थे इसके इसका पोटेंशियल क्या है, उन्होंने इसको नया आउटफिट जो बनाया, टीआरएफ उसकी जो कमांड उसके हाथ में दी, और टीआरएफ के चीफ का भी ये काम कर रहा था। इसने अपना काफ़ी बड़ा नेटवर्क कश्मीर के अंदर पैदा कर दिया, जिसमें से 8 लोगों की पहचान अभी तक हो चुकी है, उसमें से कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं, उनकी इंटरोगेशन कश्मीर वाली साइड पे शुरू हो चुकी है। और ये जब पकड़ा गया, क्योंकि इसको सरेंडर मिलिटेंट होने के नाते इसके ऊपर कोई शक नहीं था, इसकी जो अभी तक की जो इन्वॉल्वमेंट सामने आई है, कुलगाम में 3 बीजेपी के जो एक्टिविस्ट हैं उनको मारा गया था, उसमें इसकी शमूलियत थी, जो खुद उसमें शामिल था। उसके अलावा कुकरनाग के एरिया में पुलिस के एक जवान को हलाक किया गया था, उसमें जमिस मंज आई डी बरामद कर पता है। आईजीपी जम्मू डीजीपी दिलबाग सिंह सिंह तरफ पुलिस हेडक्वार्टर जम्मिस मंज प्रेस कॉन्फ्रेंस हूं सज करनी यो दौरान तमो तफसलत फराहम कौन मुसदिक इतला मिलने पत आव अख मुशतबे नफर गिरफ्तार कर सुंद नाव सोहेल अहमद रात शाम गिरफ्तार आव कर यमिस निश 7 किलोग्राम आई डी धमाका खेज मवाद बरामद कर आव ये जन अत सिलसिलस मज आज जमिस अंद पक मजीद सिक्योरिटी सख्त आय कर यद दौरान गाड़ियन हज बारीख बीनी सान तलाशी त आय आज दोहस जारी थ लतपुरा पुलवामि खुदकश हमलस वरी मुकमल सपदन पत आवाज द्रुस मुल्क मं जामबाग सपदम सी आर पी एफ एहलकार खराज अकीदत पेश कर जन वजीर अजम वजीर दाखिला वजीर दिफा तो दोमो सियासी जमातों हिंदो लीडरों तरफ तव मर सपदम सी आर पी एफ एहलकार खराज अकीदत पेश कर मर सपदम नौजवान हंद गर वाल सय हमदर्दी इजहार कर अत मौक पे आव लतपूरस मं अख तकरीब हूं सज त कर दौरान जामबाग सी आर पी एफ एहलकार खराज अकीदत पेश आव कर सी आर पी एफ पुलिस तो फौज के अल अफसर सान सिविल इंतजामी अफसर तौजूद तुम पाओ चेत जोदह फरवरी जुवस मं सपूद लतपूरस मं खुदकश हमल यी सी आर पी एफ एहलकार जामबाग सपद यप सी आर पी एफ ट्रेनिंग सेंटर हुमाम तख तकरीब मुनद कर दौरान हमलस मं जामबाग सपदम सी आर पी एफ एहलकार खराज अकीदत पेश आव कर अत मौक पे सी आर पी एफ अफसर तो एहलकार तौजूद कि हम पहले से ही अपने आप को संपूर्ण रूप से देश के प्रति समर्पित करके रखते हैं, और जैसा कि हमारा प्रशिक्षण होता है कि जल थल नभ कहीं भी जहां मरने का भय क्यों ना हो, हम वहां पे ड्यूटी से पीछे नहीं हटेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में हम अपनी ड्यूटी करते हुए शहादत को प्राप्त हुए थे, और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हम अपने देश पे न्यौछावर होने का हमको मौका मिलता है। ये तो एक प्रक्रिया है, एक जवान के लिए उस ये जो आप देख रहे हैं अमर जवान का स्तंभ द्वीप, इसमें सम्मिलित होना बहुत गर्व की बात है, देश की रक्षा सर्वोपरि। देखिए सर, ये तो जिस जैसे वर्दी को पहनते हैं
उसी समय हर एक जवान के बीच में भावना जाती है कि जिंदगी के बीच में ऐसा समय भी आता है जब हमें इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। कई बार हम लोग बहादुरी से लड़ते हुए दुश्मन को मारते हुए भी शहादत देते हैं और कई बार हमारे को इस प्रकार की कायराना हरकतों का भी सामना करना पड़ता है। सैनिक इन चीज़ों से घबराता नहीं सर, और ना ही हमारे मनोबल के बीच में किसी प्रकार की कोई गिरावट आती है, उसके बीच में सहनशीलता होती है। इसके लिए जो पुलवामा में हमारे शहीदों ने शहादत दी, वैसे तो पूरा देश ही आज नतमस्तक खड़ा है उनकी याद में और बहुत सम्मान दे रहे हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की परंपराएं रही हैं, जहां देश के लिए सेवा का मौका मिलता है वो किसी भी तरीके से पीछे हटते नहीं हैं, चाहे उन्हें अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। पुलवामा एक जीता जाता सबूत है, हमारे बहादुर सैनिक अपनी ड्यूटी के दौरान शहादत को प्राप्त हुए और ये जो शहादत उन्होंने दी है उसके लिए हम पूरे देश को आश्वासन देते हैं, पूरे कश्मीर को आश्वासन देते हैं कि कभी भी जहां कश्मीरियत पर, जहां भारत के नागरिकों पर कोई मुसीबत आती है, हम हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। विश्वास पर इस तरह की ड्यूटियों के कारण हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी सिखलाही ऐसी है कि हम अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। लेथपोर हमलच दोयम बरसी पेट यत पुलिस तरफ वादी मंज के एहतियाती इकदाम आये तुलन या दौरान रोड ओपनिंग पार्टी आई मुलतवी कर सियासी लीडरन हिंदिस नकल हरकत पेट पाबंदी आम कर या दौरान उमर अब्दुल्ला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला घरन मज आई नजरबंद थावन। चमोली उत्तराखंड में रूद आज ठमें दो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी तो आज आई मजीद बह लाश बरामद कर दौरान आज ताम पेश आमतिस वाकस मं पंचा नफरन हिज लाश बरामद आई करमो मज दर्जन खोत ज्यादा लाशन शिनाखत सपजम बरामद सपजमचो लाशों मज आई डोढ़ा किस रोजन वालिस जतिंदर कुमार नाव किस शख्स सज लाश बरामद कर जहद खोत ज्यादा नफर वन लापता इन तलाशी NDRF SDRF ITBP फौज तो दोमो कैंसो टीमों जरिए लगातार जारी छ। डेड बॉडी रिकवर करने में सफलता मिली है और बाकी पांच जगह पे हमारी टीम लगातार भागों में काम कर रही है, जो कि एक टनल हो गया, एक रेनी जहां से पांच बॉडी रिकवर की हमने, कल भी एक एम्प्यूटेड पैर का पोर्शन मिला था और वहाँ पे थोड़ा सा जगह और बच रहा है जिसको हमने सर्च अभी इंटेंसिव सर्च कर रहे हैं। फिर अभी सामने जो बराज है जहाँ तक पहुँचने में दो तीन बार हमारी टीम ने कोशिश की है लेकिन उसको सर्च नहीं कर पा रहे, इतना सलासी है जगह, इतना दलदली इलाका है। फिर अभी हमारी टीम वहाँ के लिए मार्च की है और नदी के किनारे भी एक टीम हमारी लगातार भागों में सर्च अभियान कई दिनों से चला रही है। यप इलाहीबाग श्रीनगर रुक रोजन वोल इंजीनियर बशारत अहमद जरगर सुंद नमाज जनाजा तिंदिस आबोई इलाक इलाहीबाग श्रीनगर मज अदा कर लुकन हिंद एक बोड़ तदाद शिरकत कर नमाज जनाज अदा कर पत आव बशारत अहमद सुपुर्द लहद कर पाओ चत इंजीनियर बशारत अहमद जरगर उस चमोली उत्तराखंड मज पेश आमतिस वाकस मज फोत सपूदमुत यम लाश रात उत्तराखंड पेठ आबोई इलाक वातनान आए। जेके बैंक ब्रांच कायम करने की मांग करान कुर आज ब्रनियाल लामर कुलगाम के लुको एहतजाज या दौरान एहतजाज में शामिल लुको तरफ वन आव जुदवे कह वरी ब्रो इलाक मज जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच कायम करनस मंजूरी मिल तहम आव आज ताम जमीनी सोथरस पे करो वादा पूरा करना। इलाको लुको कर जेके बैंक चेयरमैन
तो एल जी इंतजामिया सफील इलाकस मज ग बैंक ब्रांच कम यून कर युत लुकन मजीद मुश्किल वेतरन पे मिलत आबाद पिरवाग श्रीनगर लूको शिकायत बावान वोनमुत युदवई इलाकस मज इंतजामिया तरफ ड्रेनेज सिस्टम सही आव कर ताहम सड़क खस्ताहाली किन लूकन सठा मुश्किल वेतरन पे सड़क खस्ताहाली दूर करने बापत युदवई यह मामल कही आई फिर हुकाम हिंज नोटिस मज तव ताहम आज तम कह कदम तुलन आमुत मकामी लूको तरफ इंतजामिया से मांग कर आम इलाकस मज लूकन बुथियन वाल मुश्किल दूर करने बापत ग सड़क हिंज मरमत इन कर अहम रोड इस एयरपोर्ट कुन लिंक गोमो एच आर सी सी वाले वो पांच रेत ब्रोट ड्रेन सिस्टम तो मगर पत् त्रोव कि ड्रेन सिस्टम कर कंप्लीट मगर सड़कन बनव खंडर इमन ती दोब अगर इस बेमार हस्पताल नमो सुम मारी वाती दपान अस क्या सान हक क्या गो रोडस पे बसान यमो क्या थे क्या दो पूरान अगर ना वनकस ग मैगडम तो गोस ना दो पूर्ण इन मेहरबानी तो मेहरबानी तुंद विसाल दन सोन हल कर तो पूर बे एच आर सी सी वाले अपील करा बे अक लटि त्रो ये मेहरबानी कर फिलहाल तुम करो तुम मैगडम मगर रोड बन तब ये मेहरबानी तो मेहरबानी कर बाईस साल से यहाँ पर रह रहा हूँ इस लिंक रोड पर ये जो वानबल और पीरवा मेन रोड जो दोनों साइड से हैं इनको मिलाती है बहुत इंपॉर्टेंट लिंक रोड है 20-22 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ पहली बार इस सड़क को ठीक किया गया लेकिन बदकिस्मती से एचआरसीसी वालों ने यहाँ पर हमारे क्या नाम है इसका ड्रेन का काम शुरू किया और पिछले 4-5 महीने से हम इस मुसीबत में है कि हमें न बाहर आना आने के लिए कोई रास्ता मिलता है और न अंदर जाने के लिए कोई रास्ता मिलता है हमारी गाड़ियां ख़राब हो गई हमारे सेहत ख़राब हो गए जितना भी गर्दा था वो सब हमारे कमरों में इस वक्त भी आप देख सकते हैं 3-4 महीने पहले से गर्दा पड़ा हुआ है इतना गर्दा यहाँ से उठा टेलीफोन वगैरह जो कंसर्न चीफ इंजीनियर है यहाँ से उनको अच्छा नहीं मतलब गवर्नमेंट लेवल पर उनको भी हमने कर दिया फोन एचआरसीसी वालों को भी फोन कर लिया कि इस मुसीबत से हमें छुटकारा दे दीजिए लेकिन कोई प्रसन्न हल नहीं सड़क खस्ताहाली हिंद शिकायत बावान वो बनपुर नौगाम के लूको इलाकस मज सड़क खस्ताहाली किन लूकन फेरनस थोरनस मज मुश्किल वेतरन पे तो युदवई इलाकस मज सड़क मरम्मत करने बापत हुकाम हिंज नोटिस मज तव ताहम आज तम कह कदम तुलन आमुत मकामी लूको तरफ इंतजामिया से मांग कर आम इलाकस मज सड़क खस्ताहाली ग दूर कर युत लूकन बुथियन वाल मुश्किल दूर ग आप देख सकते हैं इस सड़क की क्या हालत है ये श्रीनगर से महज 3-4 किलोमीटर दूर है पिछले 10 सालों से कोई हुकूमत इस पर गौर नहीं करे देखो जगह जगह खड्डे हुए हैं ये सड़क पाचाबाग से राजबाग जीरो ब्रिज को लिंक कनेक्ट करती है लेकिन कोई हुकूमत कोई ऑफिशियल इस पर गौर खोज नहीं करता है बार बार यकीनदानियों के बावजूद इनको हमने कंप्लेंट की कि इस सड़क को ठीक कीजिए लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा है ये तस्से मस में हो रहे हैं अस गई पत्मे दह वर् पे वो अब अचान अंदर अंदर मकरस आबस मज बत खा अख गंदगी तमाम बेचे सड़क हालत वो सड़क क्या है यप अस गए पत्म दह वर् बोजान ड्रेनेज ड्रेनेज मगर ड्रेनेज तमिश कथे कह तुला जन ये पोतखोर इलाक मान तो ये पहलगाम गुत हालत यप खराब ये मान बत बनान खन कह चीज ये पे वंद क्यों रत कल थो बूट लागत प्लास्टिक बूट मकर आब मज पक वज हालत वो सड़क हालत गो वो तुम सड़क हालत ही कर्ज खराब गड़क
ज़िले बारहमूलह को पटन कस्ब मास्टर प्लानस मज सेलेक्ट करनस पेट कोर पटन इलाको लुको एलजी इंतजामियों तो मरकजी सरकारों शुक्रिया अदा ये जन मकामी लुको तरफ वन आव प्लानस तहत गलाको को तमीर तरक्की ये दौरान इलाक लूकन हंद मसल तो मुश्किल दूर ग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो 2020-2040 जो मास्टर प्लान बना है उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के दो टाउन टाउन सोपोर और टाउन पटन को इंक्लूड किया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। इससे ये फ़ायदा होगा हमारे टाउन को, हमारी जो म्यूनसिपल लिमिट से वो बढ़ेंगी और हमारा जो टाउन होगा वो डेवलप होगा एज़ पर मॉडर्न लाइनेज। जैसे हमारी हमारा चंडीगढ़ है, जैसे ग्रेटर नोएडा है, ऐसी प्लानेड सिटीज़ है, ऐसे ही हमारा पटन भी इंशाल्लाह रहमान डेवलप होगा आने वाले सालों में। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला का बहुत ही शुक्र गुजार हैं हम और शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज पहली बार हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो मुंतकिब हुए हैं दो टाउन, एक टाउन सोपोर और एक हमारा टाउन पटन, तो इससे ये होगा कि हमारे टाउन पटन का जो एरिया है ये बढ़ जाएगा, डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाएगी। रंगरेट बडगमिस मज आ महकमा इरीगेशन तो फ्लड कंट्रोल तरफ इनहदामी मुहिम शुरू करने या दौरान वावसा कुल अंद पक कुल चटने अलाव गैर कानूनी तौर तमीर कर आमित डांचे हटाने आए। अत मौक पे तहसीलदार बडगोम तो मुतलक महकमिक अफसर तौजूद ये जन मकामी लूकन आव तम्बे कर सरकारी जमीन तो कुलन अंद पक ग तमीर करनस पे परहेज कर अत मौक पे कौर मकामी लुको मुतलक महकम तो तहसीलदार सुन शुक्रिया अदा। तैनात होते हैं ऐसा नहीं है, बट ये जो इंक्रोचमेंट हुई है पिछले 20 साल से हो रही है और ये कंटिन्यू हो रही है और हमने बाज़ाबता नोटिस इशू की है जो भी इंक्रोचर है बाज़ाबता उनके पर्सनल नाम पे लिस्ट निकाली है उनकी कि आप इंक्रोच ना कीजिए। उनने इनका हमने बाज़ाबता एक टाइम पीरियड दिया था 21 दिन का कि आप जी अपनी जो है इंक्रोचमेंट आप हटा दीजिए आप ऑफ इट्स ओन ताकि हमें डिमोलिशिंग ना करना पड़े। तो इंडिविजुअल हर एक इंसान को मैं पर्सनली नोटिस की है मैंने इशू और उनको मैंने बाज़ाबता बोल दिया है कि आपकी डिमार्केशन किधर तक है जो आपने एनक्रोच किया है, लेकिन जब वे टाइम पीरियड इन्होंने अपनी डिमार्केशन जो हमने फिक्स की थी उन्होंने एनक्रोचमेंट नहीं हटाया, फिर हमें फोर्सफुली हमने एक टीम बुलानी पड़ी जिसमें से तहसीलदार मैम थे, डीसी साहब थे, वह सब टीम थी और इसमें जो ट्रीज़ थे चाहे दीवारें थी या रोड्स था कोई भी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ही हमने रिमूव किया। अचानक हरकत में नहीं आता है, हर साल होता है और हर बारी होता है और ये रूटीन वर्क है हमारा भी क्योंकि हायर अप्स की तरफ से, डीसी साहब की तरफ से, जनाब डिविजनल कमिश्नर साहब की तरफ से हर बारी यही आया है कि जहाँ भी इंक्रोचमेंट्स हैं वो हटनी चाहिए और जो इंक्रोचमेंट्स हट रही हैं वो इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक होती है। तो आज जो इरीगेशन कैनाल का ग्रीवेंस सेल में ऑलरेडी ऑनलाइन आया था तो आज हमने ये जो कंप्लेंटर था परवेज़ अहमद तो इन्होंने एक ये दे दिया था कि इरीगेशन कनाल जो है यहाँ की उसमें इंक्रोचमेंट्स काफ़ी हो रही हैं, तो हमने इस पर एक ड्राइव कर लिया था, पहले एक एक्सरसाइज ले ली, उसमें हमने यही देखा कि बहुत जगहों पे दरख्त तैनात हो गए हैं, फिलिंग हो गई है, ये जो नाला है नाले की वक्तन सफाई नहीं हो पाने से। ज़िले कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकन मज गाड़ी वाले तरफ मुसाफिर इजाफी किराए वसूल कर शिकायत दूर कर बापत आव आज यारपुरस मज अके कैंप सज कर यथ मज एआरटीओ कुलगोम तो मुतलक महकमिक अफसर तौजूद अत मौक पे लूकन शिकायत दर्ज आई कर तत्व मौक पे गाड़ी वाले सलाह मशूर कर किरायन मज कमी कर लूको एआरटीओ सुंद शुक्रिया अदा क इतवार का दिन था, लोग घर पे बैठते हैं, लेकिन हमने कई दिनों से हमारे पास लोगों की शिकायतें आ रही थी, वो शिकायतें जो थी किराया में जो इजाफा सड़कों पे हो रहा था उसके हवाले से हमारे पास शिकायतें मिल रही थी,
तो आज हमने उन्हीं शिकायतों का इजाला करने के लिए आज हमने यारीपुरा में एक कैंप का एहतमाम किया था और उस कैंप में कई सारे डेलीगेशंस आए यहाँ पे और उन डेलीगेशंस ने हमें अपने अपने रूट्स में जहाँ जहाँ उनकी उनके साथ जाती हो रही है किराए के हवाले से तो वहाँ पे हमने उनका उनकी शिकायतें सुनी और शिकायत सुनने के बाद हमने ऑन स्पॉट ही उनका इजाला भी किया। जहाँ जहाँ किराया ज़्यादा था वहाँ हमने किराए में कमी की और मंशियात तमिक कारोबार करने वाले खिलाफ युद्वे जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ मुहिम जारी तयाज नौगाम श्रीनगर में अखि रैली हूँ सज कर यह दौरान रैली में शामिल लूकन अथन मज प्ले कार्ड हे हे मंशियात मुखालिफ नार दर्ज आत मौक पे रैली में शामिल लूको रैली हूँ मकसद न सिर्फ मंशियात खत्म कर बल्कि मंशियात फरोशन पे सख्त कार्रवाई इन कर जो हमने ड्रग्स एंट्री ड्रग्स रैली निकाली थी वो हमने इसलिए निकाली थी जो हम नए कश्मीर का आगाज़ करना चाहते हैं कि वो नहीं हो सकता जब तक ड्रग फ्री कश्मीर नहीं हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जो ड्रग्स अवेलेबिलिटी है यहाँ उस पे रोक दी जाए। जो ड्रग्स अवेलेबिलिटी जब वो कम हो जाएगी लोगों को आसानी से ड्रग्स मिलता है तो वो इसलिए यूज़ करते हैं। हम चाहते हैं कि ड्रग्स अवेलेबिलिटी कम है। हम नाजरीन सत वो कौशर खबरनामा अंद दिव इजाजत खुदा सवाल।